अम्बा रहीकुम माई डर स्टूडेंट्स मैं हूं आपका फ़िजिक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस वेलकम टू स्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट आज हम अपना लेक्चर नंबर एट स्टार्ट करने लगे हैं और लेक्चर नंबर एट हमारे पास रिव्यू ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़े उसमें जो मेजर था वो था अडिशन ऑफ वैक्टर्स बाय रैक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स इसके अंदर आप लोगों ने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा बाय द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ एंगल थी वो निकालना सीखी इसी के ऊपर आज हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करेंगे तो आइए देखते हैं पहला एम जो है बेटा वो है कि अगर हमारे पास बोथ कॉम्पोनेंट्स आर एक्स एंड आर वाई ऑफ अ वैक्टर आर नेगेटिव देन रिजल्टेंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक वैक्टर है और उस वैक्टर के जो दोनों कॉम्पोनेंट्स आर एक्स और आर वाई हैं वो नेगेटिव हैं तो फिर आपने बताना है कि वो रिज़ल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ऑप्शंस आपके सामने गिवन हैं बेटा इसका सलूशन देखने के लिए आ, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि क्वाड्रेंट्स हमने इंडिविजुअली पढ़े थे कि पहला क्वाड्रेंट होगा तो क्या होगा दूसरा तीसरा चौथा इन सब में हमारे पास क्या होना चाहिए तो इसकी थोड़ी सी एक समरी सी देखते हैं सोल्यूशन में बेटा ये मैंने एक थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो कंसिडर किया और जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिज़ल्टेंट हमारे पास थर्ड क्वाडर में बना हुआ है अब थर्ड क्वाडन में हमारे पास जो ओरिजन है ओरिजन से साइड पर x एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं यानी कि आर एक्स जो है वो नेगेटिव हुआ डाउनवर्ड अगर चलें तो वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि आर वाई जो है वो भी नेगेटिव हुआ तो यूँ इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास रिजल्टेंट अगर तीसरे क्वाड्रेंट में होता है तो फिर हमारे पास rx और ry दोनों कंपोनेंट्स इसके नेगेटिव होंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास चार्ली हुई थर्ड बाकी आपको मालूम है बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपने देख लेना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होने चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वार्टर में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है चार्ली नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव न्यूटन एंड टेन न्यूटन कैन नॉट बी ये क्वेश्चन बड़ा अहम है इसके ऊपर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है बोर्ड में इससे मिलते जुलते कई दफ़ा एम आए हुए हैं बेटा इस क्वेश्चन को अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ और आपको इसमें की पॉइंट बताता हूँ कि क्या है बेटा वो एक बात तो कर रहा है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं और उनकी मैग्नीट्यूड फाइव न्यूटन एंड टेन न्यूटन है पहली बात दूसरी वो आपसे जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि इनके रिजल्टेंट के बारे में बताना है आपने इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो बताना है कि वो इन में से क्या नहीं हो सकता अब यहाँ पे रिज़ल्टेंट जो है ना वो एक की वर्ड है जिसने आपको सोलूशन की तरफ लेके जाना है वैक्टर्स का जो रिज़ल्टेंट है वो तो एडिशन के साथ भी आता है क्योंकि दो वैक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया वैक्टर रिज़ल्टेंट वैक्टर आएगा बिल्कुल ऐसे ही अगर आप उन दोनों वैक्टर्स को माइनस कर दें तो तब भी तो आपके पास रिज़ल्टेंट वैक्टर आता है स्टूडेंट्स आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब आपसे रिज़ल्टेंट पूछा जाएगा तो फिर आपने उनको ऐड करके भी देखना है और सब्ट्रैक्ट करके भी देखना है तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो रिज़ल्टेंट की बात करता है तो फिर आप उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे जब आप बेटा इसको ऐड करेंगे तो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का सम जो है 15 न्यूटन बनेगा यानी कि इसका रिजल्टेंट 15 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता है 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता और अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो दोनों को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन आता है यानी कि ये 5 न्यूटन तो हो सकता है लेकिन 5 न्यूटन से कम नहीं हो सकता तो यहाँ से आपने फिर ये रिज़ल्टेंट से सीखा कि गिवन फोर्सेस का रिजल्टेंट 15 न्यूटन से ज़्यादा नहीं है और 5 न्यूटन से कम नहीं है यानी कि 5 से ज़्यादा 6, 7, 8 अप टू 15 तक कोई भी रिजल्टेंट हो सकता है अब ज़रा सवाल पे दोबारा आते हैं वो कहते हैं रिजल्टेंट कैन नॉट बी क्या नहीं हो सकता ऑप्शंस थे फोर न्यूटन सिक्स न्यूटन नाइन न्यूटन थर्टीन न्यूटन तो आप देख रहे हैं इन तमाम ऑप्शंस में से फोर न्यूटन एक ऐसी ऑप्शन है जो कि रिजल्टेंट की नहीं हो सकती क्योंकि फोर फाइव से कम है सिक्स नाइन एंड थर्टीन ये तीनों ऑप्शंस जो बीटा चार्ली और डेल्टा में लिखी हैं ये रिजल्टेंट के रेंज में फॉल कर रही हैं तो ये हो सकती हैं लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सी है उसने पूछा है कौन सी नहीं है तो इस तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना है तो इस तरह से सोलूशन आप जेन में रखेंगे तो इनशाला आपका आंसर जो है वो ठीक होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा द डायरेक्शन ऑफ अ वैक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय द वो कह रहा है कि आपके पास एक स्पेस में वेक्टर है यानी कि वो स्पेस वेक्टर की बात कर रहा है वो कह रहा है कि इसकी डायरेक्शन कितने एंगल्स के साथ स्पेसिफाई की जाती है अल्फा टू बीटा वन चार्ली थ्री डेल्टा के नो no एंगल पहले स्पेस वेक्टर आपको रिकॉल करवाता हूं आपको याद होगा कि स्पेस वेक्टर थ्री डायमेंशन में होता है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट स्पेस में होता है जिसकी पोजीशन हम मालूम करने के लिए पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं ओरिजिन को उस पॉइंट से मिला देते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर बनता है जो उसकी पोजीशन बताता है अब आपको याद होगा कि स्पेस वेक्टर में आपको मैंने बताया था कि हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ साथ थ्री कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी होते हैं और जब ये वेक्टर इन तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को मिलाता है तो स्पेस में आता है और वो हर एक एक्सिस के साथ डिफरेंट एंगल बनाता है तो आप यूँ डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो अल्फा कंसिडर किया Y एक्सिस के साथ बीटा कंसिडर किया और Z एक्सिस के साथ गैमा कंसिडर किया तो तीन वैक्टर्स जो हैं वो स्पेस वेक्टर बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ सो करेक्ट आंसर विल बी थ्री एंगल्स चार्ली एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने जब पहले स्पेस वेक्टर बनाया था तो मैंने इस जगह पर जो है एक्स एक्सिस लिया था इस जगह पर वाई एक्सिस लिया था इस जगह पर Z एक्सिस लिया था लेकिन यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ़ इन एक्सिस के नाम हैं आप इनके नाम जिस तरह से मर्जी रख सकते हैं एक्स को वाई बना दें वाई को जेड बना दें जेड को एक्स बना दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्स कॉम्पोनेट ऑफ अ फोर्स ऑफ टेन न्यूटन एक्टिंग अलोंग हॉर्जोंटल विल बी हमारे पास एक फोर्स है टेन न्यूटन की वो हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रही है आपने बताना है कि उसका एक्स कंपोनेंट क्या है तो ये बेटा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है इसमें हम इसको देखते हैं कि जो उसने हमें कहा उस तरह से करके देखते हैं हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर एक फोर्स को कंसिडर किया टेन न्यूटन जो कि एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है तो चूंकि बेटा उसने आपसे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कहा है तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होता है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कोस थीटा अब अगर आप देखें तो एफ जो कि उसकी मैग्नीट्यूड है वो उसने हमें दी हुई है टेन न्यूटन अब चूंकि बेटा ये हॉरिजॉन्टली लग रही है तो थीटा यहाँ पर एंगल चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम लेते हैं एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में तो वो चूंकि है ही एक्स एक्सिस की तरफ तो फिर वो एंगल तो जीरो बनाएगी लिहाजा यहां पर एंगल जीरो डिग्री लिया गया जब इसकी वैल्यूज को यहाँ पर इंसर्ट किया तो फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो हमारे पास टेन न्यूटन आया सो द करेक्ट आंसर इज बीटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वेक्टर ए हैज कॉम्पोनेंट एक्स एंड ए वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स इज गिवन बाय अब यहां पर उसने आपको वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स कह दिए हैं एक ए वाई है और एक ए एक्स है तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन उसने जो यहाँ पर गेम खेली है वो ये है कि वो आपसे ए की मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड डिमांड कर रहा है तो बेटा वो जो कहता है आइए हम उस तरह कर देते हैं हमने जब वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला पड़ा तो वो तो ये होता है अब जब हम उसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हमने दोनों तरफ स्क्वेयर स्क्वेयर ले लिया स्क्वेयर लिया तो रूट कैंसिल हो गया देन हमने इनको इंटरचेंज किया और सोल्व करते हुए हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट किया और आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमारे पास ऑप्शन डेल्टा शो हो रही है सो so, इस तरह से ये इसका छोटा सा सोल्यूशन है एक नूमेरिकल बेस क्वेश्चन था इसको आपने बहुत ही सिंपल वे से देखा और इसका आंसर नोट किया नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द मिनिमम नंबर ऑफ अनईक्वल फोर्सेज हुटर सम इज जीरो मस्ट बी ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा इसके डिफरेंट क्वेश्चंस uh, भी बोर्ड में टेस्ट किए जाते हैं जिसको हम इन फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे भी अभी हम देखते हैं वो कहता है कि हमारे पास मिनिमम फोर्सेस कितनी होनी चाहिए जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो अन हो ये बात बाज में रखिएगा उसने अन फोर्सेस का जिक्र किया है और वो कह रहा है कि अगर हम अन फोर्सेस को ऐड करें तो रिज़ल्टेंट हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए तो अगर ऐसा हो तो कितनी फोर्सेस रिक्वायर्ड हैं यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहता है कि मैं एक बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगाता हूँ और वो इक्वल मैग्नीट्यूड की नहीं है तो मुझे कम से कम कितनी चाहिए कि उनका रिज़ल्टेंट सिफर हो जाए तो बेटा इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं समझते हैं देखिए स्टूडेंट मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक सिंगल फोर्स को अप्लाई किया जब मैं इसके ऊपर सिंगल फोर्स अप्लाई करूँगा तो मुझे मालूम है कि ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा तो उसका मतलब है कि सिंगल फोर्स तो मुझे नहीं चाहिए लिहाजा जो अल्फा ऑप्शन है वो नहीं हो सकता देन मैंने इसके ऊपर एक फोर्स ट्यू न्यूटन कंसिडर की और एक फोर्स वन न्यूटन कंसिडर की मैग्नीट्यूड मैंने डिफरेंट लिया है क्योंकि उसकी डिमांड थी अब मैंने यहाँ पर दो फोर्सेस कंसिडर की और दोनों को मैंने एक ही डायरेक्शन में अप्लाई किया तो मुझे मालूम है कि इनका सम ऐड हो जाएगा और ये मूव होना शुरू हो जाएगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हों तो ये बेटा ऐसे भी हो सकती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लूँगा तो तब भी मुझे पता है ये ऐड हो जाएंगी और मेरे पास इनका रिजल्टेंट वन न्यूटन आएगा लिहाजा चाहे फोर्सेस आप सेम डायरेक्शन में लगाएं चाहे फोर्सेस आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएं दोनों ही सूरतों में इसने मूव कर जाना है इसका मतलब है कि रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं आया लिहाजा जो ऑप्शन बीटा है वो भी सही नहीं है अब मैंने क्या किया मैंने तीन फोर्सेस ली और तीनों फोर्सेस को मैंने पहले सेम डायरेक्शन में रखा जब मैं इसको सेम डायरेक्शन में रखूंगा तो आप सभी जानते हैं इनका सम हो जाएगा और ये मूव हो जाएगी बॉडी लेकिन अगर मैं इनको इस तरीके से अप्लाई करता हूं कि दो फोर्सेस को मैंने एक डायरेक्शन में लगाया और तीसरी फोर्स को मैंने उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो आप देख रहे हैं कि वो दोनों फोर्सेस का सम जो है वो बनेगा थ्री न्यूटन और जो तीसरी फोर्स है वो तीन न्यूटन की है मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है तो फिर दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर पाएगा लिहाजा हमारे पास अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाली फोर्सेस मिनिमम कितनी हो के रिजल्टेंट सिफर आए तो आपने देखा कि मिनिमम हमारे पास तीन होनी चाहिए अब ये डेल्टा ऑप्शन मैंने इसलिए यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि वो मिनिमम जब हमारे पास तीन आ गया तो चौथी जो है वो फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मिनिमम अगर तीन हैं तो फिर चौथी का तो सवाल ही नहीं होता लिहाजा द करेक्ट आंसर इज़ चार्ली थ्री ये बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यू था इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बार बार देखना है और समझना है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड से ए विल बी बेटा वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर वैक्टर्स हैं पहली बात उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है और फर्ज कर लीजिए कि वो ए है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें बता रहा है सवाल के अंदर ही कि उनकी मैग्नीट्यूड आप लोगों ने एक ही लेनी है और वो भी ए लेनी है अब यहां पर आपको उसने बाउंड कर दिया है आप कोई नहीं सिर्फ ए ही लेंगे फिर वो आपसे कहता है कि बताएं रिजल्टेंट क्या है सो बेटा ये चूंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिज़ल्टेंट होता है वो हम इस तरह से बनाते हैं आप क्लियरली देख रहे हैं कि मैंने एक वैक्टर को ए वन किया एक को ए लेकिन मैंने मैग्नीच्यूड उनकी ए ही ली है और जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड होगा जो कि मैंने रेड कलर में आपको दिखाया तो रिज़ल्टेंट का फार्मूला बेटा ये होता है अगर हम यहाँ पर उसके डाटा के मुताबिक चलें तो दोनों को मैं ए बना दूंगा। इसकी ए स्क्वेयर और ए स्क्वायर को ऐड करेंगे तो टू ए स्क्वेयर आ जाएगा ए स्क्वेयर का जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा और अंडर रूट सिर्फ टू पे रह जाएगा तो लिहाजा हमारे पास इसका जो रिज़ल्टेंट है वो हमारे पास ये वाला वो हमारे पास फिर क्या बना चार्ली अंडर रूट टू ए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा एमसी के लिए आप जेन में रखिएगा उसके की पॉइंट्स आपने जरूर ढूंढने हैं स्टेटमेंट में से और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो जो आपसे कह रहा है आपने वो करना है जो आपको पता है वो नहीं करना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज आल्सो ऑफ मैग्नीट्यूड एफ द एंगल बिटवीन देम विल बी बहुत इंपॉर्टेंट एम uh, सी और प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर आपको याद होगा मैंने एक ही एग्जाम्पल दो, दफ, दो दफा दो दफ़ा दो तरीक़ों से आपको करवाई थी बिल्कुल उसी का एम सी उसने आपको यहाँ पे कोट किया है वो कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं दोनों की मैग्नीट्यूड एफ़ है और उनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी एफ़ है तो आपने बताना उनके दरम्यान में एंगल क्या है जिन स्टूडेंट्स ने तो वो लेक्चर बड़े ही ध्यान से सुना वो तो देखते साथ ही कह देंगे सर इसका आंसर वन डिग्री है लेकिन जो स्टूडेंट्स वो लेक्चर मिस कर गए जिनको समझ नहीं आया या दोबारा से वो पढ़ना चाहते हैं वो दोबारा से सुन लीजिए कि बेटा अगर ऐसा हमारे पास हो कि दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का हो तो फिर हम उसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो कि ये आपके सामने है अब यहाँ पे चूँकि सबकी मैग्नीट्यूड एफ़ है मैंने आर ए बी जहाँ जहाँ पर थे मैंने सबको एफ़ कर दिया और फिर मैं इनको सोल्व करता चला गया सोल्व किया तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायेर कैंसल हो गया और फिर हमारे पास यहाँ से वन वहां जाके माइनस हो जाएगा कोज इनवर्स आएगा और एंगल जो है वो आपके पास फाइनली 120 डिग्री निकल आएगा सो so, बहुत ही आसान एम सी क्यू था नेक्स्ट नंबर नाइन है द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू अ फोर न्यूटन फोर्स इज वो फिर आपको कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं एक तीन न्यूटन की एक चार न्यूटन की दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर हैं तो आपने बताना है कि रिजल्टन क्या है बहुत ही आसान बिल्कुल वैसे ही आपने इनको डायग्रामेटिकली बना लिया और रिजल्टन के लिए आपको मालूम है बार बार आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं आप एक्स की जगह पे थ्री लगा दीजिए ए वाई की जगह पे फोर लगा लीजिए इसको सोल्व कीजिए और आपके पास आंसर जो है वो फाइव न्यूटन आ जाएगा बहुत ही ईजी सवाल था बेटा आज का हमारा आखिरी एम सी क्यू है If a vector of magnitude 10 newton is along y-axis, its component along x-axis will be. जेन में रखिएगा ध्यान से इसको पढ़िएगा कि उसने कहा है कि वैक्टर की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और वो y की जानब लग रही है तो आपने बताना है कि x कॉम्पोनेंट उसका क्या होगा वो कॉम्पोनेंट जो x की तरफ होगा बेटा इसको आप एक तो जनरली भी आप समझ सकते हैं कि अगर मैं फोर्स लगा ही किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट सिर्फ़ फ़ोर्स की डायरेक्शन में जाएगा हॉरिजोटल तो वो जा ही नहीं सकता तो अगर आप इसकी स्टेटमेंट को देखते ही आंसर करना चाहें तो आप कहेंगे सर कि वो ज़ीरो न्यूटन है लेकिन अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो प्रूफ के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर बिल्कुल इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक एक फ़ोर्स बनाते हैं हॉरीजोंटल कॉम्पोनेंट लिखते हैं तो एफ़ तो आपके पास टेन न्यूटन है लेकिन एंगल यहाँ पर नाइन्टी का बनेगा तो cos नाइन्टी जो है वो सिफ़र होता है तो आपके पास एक्स कॉम्पोनेंट का आंसर जो है वो ज़ीरो न्यूटन निकलेगा तो आप लोगों ने इसको मैथमेटिकली भी देखा और आप लोग इसको वैसे भी स्टेटमेंट को पढ़ के भी कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जितने भी एम सी क्यूज किए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और ये पास पेपर में बार बार आए हुए हैं और इसको अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी कीजिए इन नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया आर्टिकल स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है टिल दैन अपने टीचर को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़